देखो जिस तरह हड़ के बाद इस इलाके च नुकसान होया है आज सामने तुसी देखे डिप्टी सी एम साहब का खुद का हलका है बिल्कुल नाल लगता पड़ोसी हलका है पर अज ती इस इलाके आके किसी सरकारी एजेंसी ने इन्हों की सुध नहीं ली। अज जो इन्हों पता लग्या भी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन तो राणा सोढ़ी जी एम एल ए साहब बाकी सारे पार्टी के लोग आ रहे हैं अज इन्होंने आके इतने माड़ा मोटा कोई राशन वंडन की कोशिश की है थोड़े सामने लोग बन दे उत्ते अपने आप तंबू ला के तिरपाल दे लाई बैठे उन्होंने को अज दिन तंबू मुहैया नहीं कराए। सब तो वड्डी गल है सरकार नू एम्पल वार्निंग सी हर किस्म की वार्निंग सी पता सी हरेक साल रिकरिंग आ जी है इंसीडेंट्स आ होंदा हर साल हादसा आ बनता है हालात केदारनाथ वाले मसले के बाद पंजाब सरकार ने बार बार दावे किए भी साड़ी हड़ के वास्ते तैयारी कंप्लीट है वो बाद आ जो हालात बनते हैं टोटल आई थिंक लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल नहीं सब तो वड्डी है नीयत से खोट है कम करने का इरादा नहीं जो फ्लड रिलीफ वास्ते पैसा केंद्र सरकार तो आता है सारा पैसा खुरद बुरद होता है। मेरा विधानसभा दे विच तां असी इस मुद्दे नूं चकांगे चकेंगे बतौर पार्टी उस तो पहला भी मैं कोशिश करूँगा भी सीएम साहब नूं मिलके इस इलाके की समस्यावां जिस तरह इन्हां दे मालकाना हक है जिहड़े जमीन ते बैठे है उन्हां दे मकान बनाउण वास्ते इन्हां दे कर्ज़ियां दे वास्ते इस जिहड़े पुल दे उत्ते खड़े हाँ चौधरी सज्जन कुमार जी दे टाइम बनवाया गया सीगा इहदी विड्थ बढ़ाउण वास्ते परसों जयराम रमेश जी साडे मंत्री केंद्र तों चंडीगढ़ आ रहे हैं इस पुल वास्ते तो दूजे पुल वास्ते कावां वाले पत्तन दे जिहड़ा पुल सीगा उहदे वास्ते भी असी कोशिश करांगे भी अगर पंजाब सरकार दिवालिया हो चुकी है इन्हां पुलों की मुरम्मत इन्हां नूं एक्सपेंशन या नए तरीके तों बनाउण वास्ते केंद्र सरकार उहदे वास्ते प्रबंध करे क्यों मैनूं उम्मीद है इन्हां लोकां दी समस्या उन्हां दे सामने रखांगे ते समस्या नूं हल करवाउण दा कोशिश करांगे।